दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको वन रूम किचन टेरेस यानी कि वन आर के टेरेस दिखाने वाला हूँ। ये प्रॉपर्टी G+4 में सेक्टर 9 उलवे में अवेलेबल है। वो 495 स्क्वायर फीट है और प्लस 100 स्क्वायर फीट का इसमें टेरेस दिया हुआ है। तो चलिए आइए, हम लोग देखते हैं, फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमने लिफ्ट बंद कर दी है और ये हमारा फ्लैट का एंट्रेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास दिया है पीपोल के साथ, और सीलिंग भी इसकी अच्छे से बनी हुई है, डिज़ाइन किया हुआ है सीलिंग के ऊपर। और ये सामने की तरफ इसमें फ्रेंच विंडो दिया हुआ है, और अगर हम लोग अंदर आते ही अगर इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ किचन दिया हुआ है जो कि अच्छे साइज का। किचन के बाहर गैलरी दी हुई है, मैं आपको अगर ये गैलरी खोल के दिखाऊँ तो ये बाहर गैलरी है जो आपको फ्यूचर में चाहिए तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और ओवरऑल ये लुक ऐसा है कि ये आप किचन में है। ऑलरेडी ये बिल्डिंग 100% कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है इस बिल्डिंग की। सो ये इस तरफ जो सामने की तरफ हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपका वॉल यूनिट आएगा, इस तरफ डोर है, डोर के सामने की तरफ अगर इस तरफ हम लोग देखेंगे तो ये फ्रेंच विंडो लगा हुआ है। इस तरफ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये ओपन स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पर आप आपका डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर आप स्टोरेज भी बना सकते हैं। ऊपर की तरफ भी आप स्टोरेज बना सकते हो, अच्छा खासा स्पेस छोड़ा हुआ है। इस तरफ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे बाथरूम दिया हुआ है जिसमें काफ़ी डिज़ाइनर टाइल्स लगी है। अंदर की तरफ मैं आपको अगर दिखाऊँ तो बेसिन लगा हुआ है, इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो इंग्लिश टॉयलेट लगा हुआ है, वेस्टर्न टॉयलेट इसमें लगा हुआ है। सो ये आपका वन रूम किचन कम्प्लीट कर लिया हमने। इस तरफ किचन, ये विंडो, इस तरफ टॉयलेट बाथरूम, इस तरफ ये हमारा पूरा हॉल। तो ये अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूँ, हॉल और ये स्पेस, टॉयलेट बाथरूम और किचन, तो ये 495 स्क्वायर फीट है और इस फ्लैट के साथ 100 स्क्वायर फीट का टेरेस अटैच्ड है। तो ये हम लोग चलते हैं टेरेस की तरफ। तो ये पूरा टेरेस का एरिया है इनका, यहाँ पे इस तरफ कुछ काम चल रहा है इसके लिए ये रखा हुआ है। सो ये पूरा 100 स्क्वायर फीट का टेरेस है। इसके टेरेस के बाहर के साइड में छोटी सी स्पेस दी हुई है, गैलरी दी हुई है। ये आपको बाद में चाहिए तो आप जब भी इसको कन्वर्ट करोगे तो आप ये एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ देख सकते हो आप, कोई इसके ऊपर छत नहीं है, ये टेरेस ही है। और दोस्तों ये प्रॉपर्टी हमारी सेक्टर 9 में, जहाँ से रिलायंस का स्टोर्स काफ़ी पास में, अदर ग्रेन स्टोर भी है, फिश मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, ये सारा पास में ही है। इसमें इसके पास में ऑलरेडी एक गार्डन का प्लॉट छोड़ा हुआ है जहाँ पे सिडको का गार्डन आने वाला है। अगर मैं रेलवे स्टेशन कनेक्टिविटी की बात करूँ, रेलवे स्टेशन की बात करूँ, तो ये वामबन डोंगरी से अगर हम देखते हैं तो वॉकेबल डिस्टेंस मैं आपको बताऊँ तो 15-20 मिनट्स का वॉकेबल डिस्टेंस है। और यहाँ से खारकोपर स्टेशन भी है, खारकोपर स्टेशन के लिए भी उतना ही इसमें टाइम लगेगा, वॉकेबल डिस्टेंस 15-20 मिनट्स का है। ड्राइव करके हम लोग अगर जाते हैं तो हार्डली 5-7 मिनट्स लगते हैं। दूसरा एक खास बात है कि ये प्रॉपर्टी हमारी काफ़ी करीब है उस जगह से जहाँ से न्यू बॉम्बे का सीलिंग बना है। तो ये सीलिंग्स यहाँ से हार्डली अगर मैं वॉकेबल डिस्टेंस करूँ तो 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी हो सकती है आप, क्योंकि जो सीलिंग का काम है वो काफ़ी सारा हो चुका है। मुझे लगता है अगले 5-6 साल में वो ब्रिज स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से हम वो बॉम्बे सिर्फ 15-20 मिनट्स में पहुँच सकते हैं। तो ये जब भी पूरा 100% ब्रिज बन जाएगा और यहाँ से कनेक्टिविटी बॉम्बे के लिए स्टार्ट हो जाएगी तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा प्राइस में हाइक आने वाला है। वैसे भी फ्यूचर काफ़ी टाइम से ही उलवे जो है एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो अच्छी ऑप्शन रही है। उलवे में काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया हुआ है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके। सो एक ओवरऑल लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको बाहर की तरफ भी देखूँ तो यहाँ पर काफ़ी पब्लिक ऑलरेडी रहने के लिए आ चुकी है। ये हमारा स्ट्रीट रूट है। सो ये प्रॉपर आप देख सकते हो, ये पूरा इलाका ऐसा है कि अगर आप फ्लैट खरीद के रेंट पे भी देते हो तो अच्छा खासा रेंट आपको यहाँ से मिल सकता है। और अगर प्राइस वाइज मैं आपको बात करूँ इस प्रॉपर्टी की, तो ये फुल पैकेज में आपको बताऊँ तो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 35 लाख के पैकेज में आ सकता है। सो पैकेज का मतलब ये होता है कि इसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट चार्जेस में वन टाइम ये पैसा पेड करने के बाद भी बिल्डर आपसे है ना कोई अमाउंट डिमांड नहीं कर सकता है अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस, जो भी आपका मंथली मेंटेनेंस होगा। बिल्डिंग रेडी हो चुकी है, इसकी OC आ चुकी है और कुछ मेम्बर्स तो ये बिल्डिंग में रहने के लिए आ चुके हैं। टोटल इसमें 12 फ्लैट बने हुए हैं और 3 कमर्शियल शॉप्स है। तो कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो इसमें 15 मेंबर्स है टोटल, कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों पकड़ के।
ये प्रॉपर्टी पे आप लोन कोई भी कंपनी से, बैंक से, फाइनेंशियल सर्विस से करवा सकते हैं। फ्यूचर में बनाते रहूँगा आपको मैं, और भी प्रॉपर्टीज़ के अपडेट्स देते रहूँगा। टिल दैट टाइम जब तक आपको और भी प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साइड में घंटी का बटन है वो दबा के रखिएगा, ताकि मैं ऐसे जब भी नए वीडियोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप उसे देख सको।